आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, आसिफ नगर मेन रोड, तार गोश्ता और असली घी में तैयार करदा 100% हाइजीन। आसिफ रमजान स्पेशल हलीम। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 1 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा मुबारक के अतराफ नए हिसार का शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने किया इफ्तिताह। साबिका लकड़ी के हिसार की जगह तांबे के सुनहरे हिसार ने ले ली जगह। माह रमज़ान के दूसरे जुमा पर मस्जिद अल हराम में रुख परवर मनाजर। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में 20 लाख से ज़ायद फरजंदान तौहीद ने अदा की नमाज जुमा। रमज़ान के दौरान भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली बंदिशें जारी। दर्जनों रुकावटों को पार करके हज़ारों की तदाद में मस्जिद अक्सा पहुँच कर फ़लस्तीनी अदा कर रहे हैं नमाज। इसराइल के हाथों अब तक 12,350 फ़लस्तीनियों के घरों की तबाही। फ़लस्तीनी सरजमीन की तहक़ीक़ात के सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में दी इत्तला। जापानी वज़ीर आज़म फ़ुमियो किशिदा की जानिब से काबिल मिसाल पहल। मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में किया गया दावत इफ्तार का अहतमाम। दी रमज़ान की मुबारकबाद। तुर्की के माहरीन अमराज कल्ब ने किया खबरदार। तवील दौरानिये तक भूखे प्यासे रहने के फौरी बाद इफ्तार में सिगरेट नोशी अमराज कल्ब का बनेगा सबब। इसराइली सहाफ़ी साबिक सिफारतकारों व हुकूमती वज़रा ने किया इत्तफ़ाक़। नेतन्याहू हुकूमत में बढ़ते फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद वाक़यात से इसराइल और अरब दुनिया के ताल्लुकात को ख़तरा। खलीजी मुल्क बहरीन में मज़हब इस्लाम पर मतनाज़ा सीरीज़ और यूट्यूब वीडियोज़ में बहस व मबाहस। 3 अफराद को हुकूमत ने सुनाई 1-1 साल कैद की सज़ा। RSS सरबरा मोहन भगवत ने तकसीम हिंद को करार दिया गलती। दावा किया पाकिस्तान आज भी नाखुश। साथ ही भारत को अखंड भारत के लिए तैयार रहने का दिया पैगाम। रामनवमी तशद्दुद को लेकर धरेंद्र शास्त्री ने दिया मुतनाज़ा बयान। कहा हिंदू मज़हब मुखालिफीन हो जाए होशियार, अब नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो कहना पड़ेगा सीताराम। रामनवमी के दौरान निकाली गई शोभा यात्राओं के बाद हुए वायलेंस पर ममता बनर्जी का सख्त नोट। वायलेंस की जांच CID से कराने का हुक्म देने की इत्तला। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को फर्जी एनकाउंटर में फंसाने के इल्ज़ाम पर दिया चैलेंज। कहा अगर अमित शाह सच कह रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के नाम बताए। पेगासस के बाद मोदी सरकार की जानिब से कोई और जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने की खबरें। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट। लिखा करोड़ों लोग भूखमर्री का शिकार और मोदी जासूसी करने उड़ा रहे हैं मुल्क का पैसा। पीएम मोदी के नाले से गैस निकालने, रडार और ऐसे दूसरे बयानात पर केजरीवाल ने कहा इन सवालों से लगता है देश का PM पढ़ा लिखा होना ज़रूरी। मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर किया सवाल। संजय सिंह ने किया दावा ये साबित हो गया देश का PM अनपढ़। सलमान खान के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर संजय रावत को मिली लॉरेंस गैंग की जानिब से जान से मारने की धमकी। कहा मूसेवाला जैसा कर देंगे हाल। कर्नाटक में मुस्लिम तहफ़ुज़ात की बरकरारी के लिए हाईकोर्ट में मिफाद आमा की दरख्वास्त। जल्द चीफ जस्टिस के इजलास पर मुस्लिम तहफ़ुज़ात मसले की समाअत होने की तवक्को। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महा ठग सुकेश ने लगाया सनसनीखेज इल्ज़ाम। दावा किया केजरीवाल के कहने पर BRS पार्टी को पहुँचाई थी 75 करोड़ रुपये की रकम। PM नरेंद्र मोदी के 8 अप्रैल को दौरे हैदराबाद का इम्कान। दौरे के मौके पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का करेंगे इफ्तिताह। CM KCR की महाराष्ट्र के किसानों के वफ्द से मुलाकात। गाड़ियों के एक बड़े काफिले में 250 से ज्यादा किसान व लीडरान पहुंचे हैदराबाद। मिनिस्टर टी हरीश राव ने किया बड़ा दावा तेलंगाना में कांग्रेस जैसा होगा भाजपा का हशर। KCR अवामी मफादात के लिए काम कर रहे जबकि मोदी अपने दोस्तों के लिए। हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर। राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फरोख देने का इल्ज़ाम। फीकस आमदनी के मामले में तेलंगाना मुल्क में सरफहरिस्त। मिनिस्टर KTR का दावा। कहा CM KCR के वर्जन से माशी तरक्की में तेलंगाना सबसे आगे।
तेलंगाना के शहर जगतियाल में बीआरएस लीडर बंडारी नरेंद्र रक्स करते हुए हार्ट अटैक से फौत। मुतवफी लीडर के मकान पहुंचकर कविता ने दिया पुरसा। हैदराबाद में सोने की कीमतें बुलंदतरीन सतह पर बरकरार। 24 कैरेट सोना 61,200 रुपये जबकि प्योर चांदी 738 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, आसिफ नगर मेन रोड और ब्रांच ब्लू मून स्वीट्स एंड बेकर्स टप्पा चबूतरा। हर साल की तरह इस साल भी रमजान के मौके पर रोजेदारों के लिए पेश कर रहे हैं चार गोश्ता और असली घी में तैयार करदा 100% हाइजीन आसिफ रमजान स्पेशल हलीम, जो शब मेराज और शब बरात के मौके पर भी दस्तियाब रहेगी। एक बार खाएंगे तो बार बार चाहेंगे। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स की खसूसियत अंजीर खलाखन, अजमेरी खलाखन, बंगाली स्वीट्स, काजू कतली के अलावा मीठे की रोटी, मोहर्रम में दम के रोट, जुमा के दिन कद्दू का हलवा और दीगर लजीज मिठाइयाँ भी दस्तियाब है। ये सब चीज़ें आप घर बैठे स्विगी और जोमेटो के जरिए भी मंगवा सकते हैं। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स पार्टी ऑर्डर्स भी करते हैं। मजीद जानकारी के लिए रब करें आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, रूबरू मस्जिद गंजे शहीदा, जिर्रा, आसिफ नगर मेन रोड, हैदराबाद।